अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिर्ज़ा आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम और आज डीजी स्टोर 24 की क्लास 2 है। आज की क्लास में आपको अकाउंट क्रिएट करना बताया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। सभी लोग इजीली अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो को फॉलो कीजिएगा, अकाउंट बनाइएगा और फिर मैं आपको काम करना भी बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में सोचिए, अपना बजट निकालिए। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो बजट लगेगा वो मेरे पास आएगा या किसी और के पास चला जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो मैं बजट की बात कर रहा हूँ, ये आपका एक ऑनलाइन एसेट होगा, आपकी मलकियत होगी। ये वेबसाइट आपकी अपनी होगी और इस वेबसाइट के ज़रिए आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। आप एक वेबसाइट को चलाएंगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि हमें और वेबसाइट चाहिए, हम और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। और वेबसाइट बनवाने के लिए मैं स्क्रीन पर आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब प्राइस में और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आप माइंड बना लीजिए कि आपने वेबसाइट बनानी है और अपने पैसे कुछ साइड पर कर लीजिए। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कोई शॉप है, इंडस्ट्री है, आप ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो देखें आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो देखें आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, वहाँ से अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर पाएंगे। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको डबल फायदा होने वाला है। देखें, वो चीज़ सिर्फ आपके पास होती है, जो चीज़ आप खुद बनाते हैं वो किसी और के पास नहीं होती है। आप जितना चाहें मार्जिन रखिए और अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कीजिए। और मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा कि आपने डिटेल टारगेटिंग किस तरह से करनी है, कम पैसों में आपने किस तरह से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने हैं। आप ऑफलाइन शॉप पर अगर फॉर एग्जांपल डेली की 10,000 पे सेल करते हैं और अगर आप ऑनलाइन अपनी शॉप बना लेते हैं, यानी कि वेबसाइट बना लेते हैं, इंशाल्लाह आप यहाँ से चाहें तो डेली की 1 लाख रुपए भी सेल कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। जितना आप बजट स्पेंड करेंगे, आप एड रन करने के लिए फेसबुक को देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो वेबसाइट की तरफ अब आ जाइए, पक्का आ जाइए, माइंड बना लीजिए, ये कहीं आपके पैसे ज़ाया नहीं होने लगे। ये आपकी वेबसाइट होगी, आपके पास ही होगी और ये पूरी दुनिया में लोग आपसे परचेजिंग भी कर सकेंगे। या आप बिजनेस वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आप सेल नहीं करना चाहते, अपने बिजनेस की इन्फो देना चाहते हैं, स्कूल की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की, आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, न्यूज़ की बनवाना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सस्ते प्राइस में वेबसाइट बनाकर दी जाएगी और इंशाल्लाह आपको अर्निंग के मेथड्स भी बताए जाएंगे कि इस वेबसाइट पर आपने किस तरह से अर्निंग करनी है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने के लिए, आपकी वेबसाइट। वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगती हैं। हाँ जी, आपको अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह मैं सारी सॉल्व कर दूंगा, बिल्कुल आसान होगा। तो गौर से वीडियो वॉच कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है, इंशाल्लाह बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको सिखाता हूँ। आपने गूगल ओपन करना है और सर्च बार में सिर्फ डीजी स्टोर भी लिख दें, तब भी आपके सामने पहला ही लिंक आएगा। डीजी स्टोर 24.com लिख देंगे यूआरएल बार में, तब भी आप डायरेक्ट, बल्कि आप तो तब डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे, लेकिन आप डीजी स्टोर लिखिए सर्च बार में और ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन कर लीजिए। ये अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैं आपको सिखा रहा हूँ और जिनका अकाउंट होगा वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से डिजी स्टोर 24 का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, रजिस्टर नाउ, ये रजिस्टर नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज आपके सामने ओपन हो चुका है और अब यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। अब नेम आप लिख लीजिए, छोटी ABC ही होनी चाहिए, स्मॉल करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हमने अली खान, कम से कम 6 होने चाहिए, 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अली खान SB डाल दीजिए, चले 170। अब याद रखिए, जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे वो याद होना चाहिए आपको, भूलना मत। ठीक है, भूलिएगा मत। और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस वो देना है जो आप यूज़ करते हो, जिस पर आप ईमेल आप मौसूल करते हो और आप रीड भी करते हो। ठीक है, जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो वो ईमेल एड्रेस दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए देखें तरीकाकार ये होता है, एक आप स्पेशल कैरेक्टर देंगे, एक कैपिटल वर्ड देंगे। ठीक है, आप यानी कि बड़ा ABC का वर्ड देंगे और बकिया कुछ छोटी ABC के वर्ड देंगे और कुछ नंबर्स देंगे।
ठीक है, तीनों चीज़ें आपने हर पासवर्ड में यूज़ करनी होती हैं ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ भी हम इसी स्ट्रेटजी से हम इस पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक मैं यहाँ पर स्पेशल करेक्टर दे दिया है, फिर एक कैपिटल वर्ड दे दिया है, और उसके बाद छोटे छोटे स्पेल दिए हैं मैंने, छोटी ABC के वर्ड दिए हैं, उसके बाद नंबर्स दिए हैं, फिर स्पेशल करेक्टर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी आपने रिपीट करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद आई हैव रीड, और ये टाइटल बेशक सॉरी आप रहने दीजिए, टाइटल मत दीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए नेम अली, और ये लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस दीजिएगा आप जैसा कि कराची, कंप्लीट दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस आपने ठीक पुट करना है, देख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आपने हाउस नंबर देना है और मुकम्मल एड्रेस देना है, अपना फ्लैट कब है, फ्लैट एड्रेस है, जो भी है बिल्डिंग एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस दीजिएगा यहाँ पर आप। आपने ये यहाँ लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एड्रेस। ठीक है, तो आपने मुकम्मल करना है, ये डमी अकाउंट हम एक क्रिएट कर रहे हैं, ये जहन में रहे। यहाँ पर आपने, आपको अगर आपका जिप कोड नहीं पता तो चले 64100 मैं दे देता हूँ, ये खानपुर का है, मैं खानपुर से हूँ, 64100, इसको कराची को खानपुर कर देते हैं, ये खानपुर। ठीक है, अब सिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप सिटी अब यहाँ से देंगे जी खानपुर। ये मैं देखें जो डाटा दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, आपने अपना डाटा पुट करना है, जो आपका डाटा हो, जो आपका एड्रेस हो, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, सेम आपने अपनी ही डिटेल पुट करनी है, कहीं यही कॉपी मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, अब फ़ोन नंबर आप देंगे कोड के साथ, पाकिस्तान के कोड के साथ, प्लस शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस 92, उसके बाद हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 333। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, ये मैंने रैंडमली नंबर दिया, मुझे नहीं पता है किसका नंबर है। ठीक है, आप इसी तरह आपने अपना सही नंबर पुट करना है यहाँ पर, और हम यहाँ पर स्काइप नेम एंड टेलीग्राम आईडी मांग रहे हैं, दोनों में से कोई भी दे दीजिएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं क्या इसके बिना हो जाता है रजिस्टर्ड, तो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ स्टेट तो हमने दिया नहीं है, स्टेट हमारा है जी पंजाब, आप अपना सूबा दीजिएगा यहाँ पर लाजमी, और फिर कर देंगे अब रजिस्टर नाउ। ये देखिए जी, कंग्रेचुलेशन, ये हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे उन्होंने ईमेल हमें भेज दिया है। तो अब हम जाके अपने ईमेल में जाएंगे और जाकर वेरीफाई करेंगे, तो ये हम जाते हैं अपने ईमेल में। अब ये देखिए डीजी स्टोर की ईमेल हमें आ चुकी है, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये वाला लिंक हम क्लिक करेंगे, ये वाला लिंक हम क्लिक करेंगे, जहां पर अपना पासवर्ड दीजिए, अकाउंट का जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। देखिए सक्सेसफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। तो यहाँ मैंने आपको यहीं से कल ओवरव्यू दिया था, मार्केट प्लेस में गए थे हम, और उसके बाद ऑल ऑफर्स ऑन द एफिलिएट, तो ये वाली प्रोडक्ट्स हमने ओपन कर ली थी। ये साइड बार देखिए, साइड में यहाँ पे कैटेगरीज हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बकिया आज के लिए यही था, मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखा दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप अगर कुछ ना समझ आया हो तो वीडियो को अगेन वॉच कर लीजिएगा, अकाउंट ठीक से क्रिएट कीजिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन, आपने रियल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, और अपनी इन्फॉर्मेशन सही पुट करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और इस तरह से इस इंटरफेस पर आप आ जाएंगे, डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब आपने काम कैसे करना है। इसका ओवरव्यू तो मैं दे ही चुका हूं, जैसा कि चलें ये देख लेते हैं, सामने एक आपके प्रोडक्ट आ गया, 85% कमीशन ये आपको दे रहे हैं, इसमें आपको $27 बन रहा है, $26.99 ये आपका प्रॉफिट है प्रमोट करने पर,
तो ये बाकी तरीकाकार अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अकाउंट अपने बना लीजिए और लाजमी कमेंट मुझे कीजिएगा कि अकाउंट जिन लोगों ने बना लिया है, और अकाउंट ज़रूर बनाइएगा, लाजमी बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा बिजनेस है, इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी। उम्मीद करता हूँ क्लास टू आपको समझ आ गया, आपने अकाउंट कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान था, मुश्किल नहीं था, और आपने अब इस तरीके से ही काम करना है जैसे मैंने आपको बताया। और वेबसाइट की तरफ ज़रूर आ जाइए, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, और ये सेफ इन्वेस्ट होती है, ये आपका ही एसेट होता है, आपकी मलकियत होती है, ये आपका सासा बन जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बल्कि लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ। और वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, कुछ सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आप अच्छी अर्निंग करेंगे। पिछली भी जितनी भी मैंने आपको सीरीज़ दी हैं एफिलिएट मार्केटिंग की या ऑनलाइन अर्निंग करने के तरीकाकार बताए हैं, सभी जेन्युइन थे, और आप सबको लेकर चलना चाहते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा थोड़ा सब पर काम कीजिए, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो या किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लीजिए। अगर पिछली वीडियो आपने वॉच नहीं की, ओवरव्यू जिसमें मैंने दिया, तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आई बटन में भी लिंक होगा। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए काइंडली, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।